मित्रों भाई आज जूम करें इधर बीसीसीएल और ईसीएल का भी रिव्यू किया हूँ और बीसीसीएल का सेट का भी मैं विजिट किया हूँ। जिरिया मास्टर प्लान इम्प्लीमेंटेशन का भी मैं रिव्यू किया हूँ। बीसीसीएल जो प्रोडक्शन और डिस्पैच का टारगेट है लास्ट ईयर भी अचीव किया था, टारगेट से ज्यादा की थी और इस बार भी जो प्रोग्रेसिव टारगेट मीन्स ईयरली टारगेट के अनुसार इस 3-4 महीने अप्रैल मई जून और अभी तक जुलाई तक जो टारगेट अचीव करना था उससे 109% मोर देन 100% दैट इज 109% अचीव हुआ है। इस ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स में 24% ग्रोथ हुआ है। जरिया मास्टर प्लान इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे प्रयास तो पूरा चल रहा है। और लोगों को सुविधा के लिए हमने ये शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करने के लिए मैंने कहा हूँ। इससे पहले भी जब दिल्ली में मैंने रिव्यू किया था उस टाइम पे भी और हमारे एमपी साहब भी इसके बारे में बहुत रिक्वेस्ट किया था। जहां हम घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे मैंने स्मार्ट सिटी कंसेप्ट अपनाने के लिए कहा हूं। टू अडॉप्ट द स्मार्ट सिटी कंसेप्ट आई इंस्ट्रक्टेड द ऑफिसर्स बेसिक फैसिलिटी रहना, पानी का फैसिलिटी रहना, स्कूल रहना, आंगनवाड़ी रहना, हॉस्पिटल रहना, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था रहना, एक सिटी में जो कुछ भी फैसिलिटी चाहिए वो सब फैसिलिटी करने के लिए मैंने बताया। एट प्रेजेंट बीसीसीएल 81 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जो हाईली डेंजरस और प्रोन साइट्स है। मैंने उसको प्रायोरिटी पर लेने के लिए फर्स्ट फेज में हाई रिस्क एरिया को लेने के लिए मैंने कहा हूं। इसको जारी करने के लिए 12,500 लीगल क्या है लीगल एलटीएच लीगल टाइटल होल्डर्स नॉन लीगल टाइटल होल्डर्स मिला के 12,000 फैमिलीज को शिफ्ट करना है। उसके लिए जो घर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए जो कुछ भी और भी उसके करने के लिए जरूरत है वो भी हम करके देंगे। ऑलरेडी 3,500 बीसीसीएल फैमिलीज शिफ्ट हो गया है। लाइवलीहुड के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़ी मात्रा में हम ले रहे हैं और उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देके स्किल डेवलपमेंट करने का भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं।
तो एक बार 12,500 फैमिलीज 81 जो साइट्स है ये सब वैकेट होता है तो अप्रॉक्स दो विषय में आपको फायदा होता है। एक तो ये हाई रिस्क एरिया है, दैट इज नंबर वन। सेफ्टी ऑफ द पीपल इज सेफ गार्डेड, तो इसीलिए हमने कुछ लाइवलीहुड के लिए हाव टोल्ड मैनेजमेंट टू वेरी पॉजिटिवली कंसिडर। तो तुरंत शिफ्ट होने के बाद लाइवलीहुड के लिए कोई गुड अमाउंट टू बी पेड, अच्छा एक अमाउंट उनको पेमेंट करने का भी सोचने के लिए, कंसिडर करने के लिए, पॉजिटिवली कंसिडर करने के लिए मैंने कहा ए गुड बिग अमाउंट सो दैट दे कैन शिफ्ट themselves एंड वी विल ऑफर देम गुड हाउस विथ ऑल फैसिलिटीज, एक परफेक्ट टाउनशिप डेवलपमेंट करने के लिए मैंने कहा। तो इसके साथ ही साथ एक तो लोगों का सेफ्टी होगा और जो कुकिंग कोल है अप्रॉक्सिमेटली अगर इफ यू शिफ्ट दिस 81 साइट का जो अगर पूरा एरिया हमको मिलता है तो देन वी कैन हैव मीन विल हैव 50 मिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल। एज यू नो ऑल वेल, आप सब जानते हो कि इस बार थर्मल कोल टोटल कोल प्रोडक्शन इन द कंट्री 1 बिलियन टन होगा, दैट इज 1,000 मिलियन टन। दिस इज ए रिकॉर्ड प्रोडक्शन। लास्ट ईयर भी हमारा प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ 893 मिलियन टन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया विल क्रॉस 1,000 मिलियन टन, दैट इज 1 बिलियन। मैंने पहले भी बताया हूं, आप देखे होंगे थर्मल कोल इंपोर्ट विल बी टोटली स्टॉप बाय 25। पर्याप्त मात्रा में हम थर्मल कोल भारत में उत्पादन करने के लिए जो कुछ भी प्लान है वो प्लान ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है और इस बार कैप्टिव और कमर्शियल कोल माइनिंग से हमको 151 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला हमको मिलने का उम्मीद है। तो ये सब देखते हुए अगर BCCL में भी ये जो 81 वल्नरेबल साइट्स के जो शिफ्टिंग होके हमको लैंड मिलता है तो 50 मिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल हमको मिलता है देश के लिए बहुत बड़ा। इसका एक तो लोगों का सेफ्टी होगा क्योंकि फायरिंग वगैरह आप यू मस्ट हैव सीन दैट, अलोंग विद दैट देश का भी एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो बहुत लॉस होता है इंपोर्ट में उसका सेविंग्स होगा। आत्मनिर्भरता के तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैंने लोगों से भी इधर इंटरेक्ट किया हूं, लोग भी सब फैसिलिटी के साथ लाइवलीहुड के लिए टेम्पररी लाइवलीहुड के लिए कुछ व्यवस्था करके भेजते हैं तो तैयार है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं हम जो कुछ भी प्रयास करना चाहिए ये चैलेंज ओवरकम करने के लिए, लोगों को सुविधा के लिए सब कुछ करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। और मैंने 750 करोड़ रुपीज जरिया मास्टर प्लान हाउसिंग के लिए मैंने
अप्रूवल भी किया हुआ, दे आर गेटिंग 750 crore रुपीज। दिस इज दवर बिगेस्ट अमाउंट BCCL इज गेटिंग, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए मैं आपके द्वारा भी मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आप चर्चा करो, जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है चर्चा करो, वी आर हियर टू सॉल्व इट। हम बहुत ओपन माइंड से है, इसीलिए जरिया मास्टर प्लान इंप्लीमेंट करके एक अच्छा टाउनशिप, द बेस्ट टाउनशिप हम क्रिएट करने का निर्णय किया। आपने कहा कि थर्मल पावर, थर्मल कोक का जो है इंपोर्ट बिल्कुल बैन हो जाएगा, बंद कर देंगे हम लोग धीरे धीरे, हाँ बंद कर देंगे सॉरी, और कैप्टिव माइंस और कमर्शियल माइनिंग के जरिया जो है, तो पूरे कोल इंडिया का जो फ्यूचर आप कहाँ देखते, कैसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव, किस तरह का टेक्नोलॉजी ला रहे हैं माइनिंग के लिए? कोल इंडिया भी नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, कोल इंडिया विल बी द मेजर सप्लायर एटलीस्ट इन कमिंग 50 ईयर्स।